स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश फर्स्ट क्लास सेवेंथ पार्ट सिक्स लेसन थ्री एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. टुडे वी आर टॉट यू द एंड ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सॉरी. बीर बेग्ड हिम फॉर हेल्प विच द साधु आफ्टर मैनी एंट्रिटीज प्रॉमिस टू प्रोवाइड. तो क्या हुआ कि बीर ने उससे हेल्प मांगी, बोला कि मेरी प्लीज़ मदद कर दीजिए, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ. फिर साधु को दया आ गई तो साधु ने कहा कि ठीक है, मैं कर दूँगा. द साधु टोल्ड बीर दैट हिज वाइफ वॉज फार अवे इन द लैंड ऑफ फेरीज. तो उसने कहा, साधु ने उससे बताया बीर से कि तुम्हारी जो पत्नी है वो यहाँ से बहुत दूर है, वो परियों के जमीन में, परियों के देश में, ठीक है. इफ़ बीर गॉट देयर, अगर बीर वहाँ पहुँच जाता है, ही वुड फाइंड हिज वाइफ लाइंग ऑन अ पर्शियन कारपेट विद हर हेड एंड फीट सपोर्टेड बाई टू ब्रिक्स. तो क्या हुआ कि अगर बीर वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो अपनी, उसको उसकी वाइफ एक पर्शियन कारपेट पर लेटी मिलेगी, जिस पर्शियन कारपेट पर क्या लेटी मिलेगी, अपने हाथ और पैर जो कि दो, उसके हाथ और पैरों के ऊपर दो दो ब्रिक यानी कि ईंट रखी होंगी. ही शुड फर्स्ट लिफ्ट हर एंड रिवर्स हर पोजीशन सो दैट हर हेड वुड बी ऑन द ब्रिक दैट हैड बीन अंडर हर फीट एंड हर फीट ऑन द ब्रिक दैट हर हैड बीन अंडर हर हेड. तो क्या करना है कि जब वो पहुँचेगा तो उसको सिर्फ उठा करके उसकी पोजीशन लिफ्ट करानी है, इस तरह लिफ्ट करानी है ताकि जो उसके पैर के नीचे जो ईंट है वो उसके सर के नीचे आ जाए, जो उसके सर के नीचे ईंट है वो उसके पैर के नीचे आ जाए, ठीक है. देन शी वुड बी रिस्टोर्ड टू हर प्रीवियस स्टेट एंड वुड इमिडिएटली रिकॉग्नाइज हिम. तो क्या हो जाएगा, इस तरह में वो अपने वापस से पुराने स्टेट में यानी कि पुरानी याददाश्त उसकी वापस आ जाएगी और वो तुमको तुरंत पहचान लेगी. आफ्टर दिस ही शुड माउंट हिज हॉर्स विद हर एंड मेक हिम वे एज रैपिडली एज पॉसिबल टू हर्मिट्स हट. तो क्या करना है कि इसके बाद तुमको उसको अपने घोड़े पर उसको बैठाना है और दोनों को वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल लेना है और सीधे उसकी झोपड़ी पर आके रुकना है. फर्स्ट पुटिंग अ लिटिल कॉटन इन बोथ ऑफ हिज ईयर्स सो एज नॉट टू हियर द स्वीट इनचेंटिंग मेलोडीज ऑफ फेरीज. तो क्या करना है कि सबसे पहले उसको एक थोड़ा सा रुई अपने दोनों कानों में डाल लेनी है ताकि उसको वो सुंदर सुनहरे गीत परियों के सुनाई ना दे जिससे कि वो हिप्नोटाइज हो जाए. द फेरीज वुड फॉलो हिम टू कट हिम इनटू पीसेस. और फेरीज उसको फॉलो करेंगी ताकि उसको टुकड़ों में काट दें, लेकिन उसको वहाँ से निकलना है. ही शुड थ्रो बिहाइंड हिम द कंटेंट ऑफ वन ऑफ द पैकेट्स ऑफ पाउडर द साधु वुड गिव हिम. तो उसने कहा कि जब वो पीछा करें तो तुमको ये जो पैकेट में जो कुछ भी दिया था साधु ने उसको उसे पीछे फेंकना है, ठीक है, परियों के ऊपर. द इफेक्ट वुड बी दैट इफ इट वुड रेन हैवीली फॉर अ टाइम एंड द फेरीज वुड बी हेल्ड अप. तो उस पाउडर का इफेक्ट ये होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और परियां कुछ देर के लिए रुक जाएंगी. ड्यूरिंग दिस ही शुड कीप हिज हॉर्स एट फुल गैलप. और इस दौरान उसको अपनी घोड़े को बहुत तेज पूरी ताकत के साथ दौड़ाना है. व्हेन द फेरीज अप्रोच्ड अगेन, और जब वापस से फेरीज पहुंच जाएं, ही शुड थ्रो द सेकंड पैकेट ऑफ पाउडर विच वुड रीज अ ग्रेट सैंड स्टॉर्म एंड डार्कन द एयर वन बाय वन. ही शुड थ्रो द रिमेनिंग 5 पैकेट्स विच वुड कॉज मोलेस्टिंग हीट एंड फायर. तो क्या करना है कि उसको फिर जब वापस से पानी बंद हो जाएगा, परियां पहुंच जाएंगी उसके पीछे, तो उसको क्या करना है, दूसरा पैकेट निकाल के फेंकना है जिससे कि सैंड स्टॉर्म यानी कि रेतीला तूफान आएगा और हवा काली हो जाएगी. लेकिन और जब इसी तरह एक के बाद एक करके 5 के 5 पैकेट आपको फेंकने जिससे कि पानी, आग और ये सब चीज़ें होंगी और तुम सुरक्षित यहाँ तक पहुँच जाओगे, मेरी झोपड़ी तक, बिना परियों के हाथ आए, ठीक है. तो विद दीज इंस्ट्रक्शन बीर प्रोसीड टू द लैंड ऑफ द फेरीज वेयर ही फाउंड हिज वाइफ फ्लाइंग ऑन द पर्शियन कारपेट एज द साधु हैज सेड. तो क्या हुआ कि इनसे सब इंस्ट्रक्शन के लेने के बाद बीर सीधे पहुंचा फेरीज के लैंड, परियों के देश, ठीक है, जहां पर उसने उसको उसकी वाइफ मिली पर्शियन कारपेट पर लेटी जैसा कि साधु ने बताया था. ही रिटर्न्ड विद हर परस्यूड बाय द फेरीज बट वॉज सेव्ड बाय द पाउडर. तो वो उसके साथ वापस लौट आया, फिर परियों ने उसका बहुत पीछे किया लेकिन वो पाउडर से बच गया. व्हेन ही रीच्ड द साधु अगेन ही थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प. और जब वो वापस साधु के पास पहुंचा तो उसने उसकी मदद के लिए बहुत बहुत उसको शुक्रिया कहा. एंड द साधु इन रिटर्न टोल्ड हिम टू गो होम विद हिज वाइफ एंड लिव हैप्पीली. और बदले में साधु ने कहा कि तुम जाओ अपने घर अपनी पत्नी के साथ और खुशी खुशी जीवन जियो. दे डिड एंड आफ्टर सम ईयर्स गॉड ब्लेस देम विद अ सन.
और उन्होंने ऐसे ही किया और कुछ सालों बाद उनके एक लड़का हुआ। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, फाइन, थैंक यू।